हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये मिनिमम वैल्यू निकालना है इतना का। पहले ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, क्या निकालना है बच्चों। मिनिमम निकालना है किसका, इतना का हमको मिनिमम निकालना है। फिर से लिख दे एक बार, ध्यान से देखिए। स्क्वायर रूट क्या जी, एक्स माइनस फोर का स्क्वायर और कितना बच्चों, प्लस वाई माइनस टेन का स्क्वायर इतना का क्या निकालना है बच्चों। इसका हमको निकालना है मिनिमम। क्या निकालना है, मिनिमम। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और हम और आप मिलकर इसको, इसका सबसे जो बेस्ट मेथड होगा, दो से तीन स्टेप में इसके फाइनल सॉल्यूशन तक हम लोग जा सकते हैं। यदि ध्यान से देखिएगा तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है, कोशिश है कि हम और आप मिलकर उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप लोग लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, बस इसको सोल्व करने से पहले मैं एक छोटी बातें आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। दो पॉइंट दिया है ए बी, ध्यान से सुनिएगा। दो पॉइंट दिया है ए बी, एक पॉइंट कहीं पर है सी, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। दो पॉइंट दिया है ए बी, ए बी को मिला दिए तो एक लाइन बन गया, सिंपल बात है। एक पॉइंट है सी, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि ए सी प्लस बी सी ये मिनिमम कब होगा, बस यही हमको हेल्प कर दीजिए। तो आप कहिएगा कि थोड़ा सा हमको इसको मिनिमम बताने में ज्योमेट्रिकल यदि दिक्कत हो रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एसी है, ये बीसी है, ध्यान समझिएगा। एसी प्लस बीसी, थोड़ा सा सी को नीचे लाइए, एसी प्लस बीसी, ध्यान से देखते जाइएगा, थोड़ा सा सी को नीचे लाइए, ये सी यहां आ गया, अब की बार यहां आ गया, ध्यान समझते जाइएगा। सी यहां आया, आपको समझ में आ गया कि जब सी इस पर आ जाएगा तो यही एसी प्लस बीसी सबसे छोटा होगा। यस या नो, क्योंकि देखिए एसी प्लस बीसी, 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 यही वाला सबसे छोटा हुआ। यस या नो, मतलब ये पॉइंट यदि इसी लाइन पर हो जाएगा तो एसी प्लस बीसी सबसे छोटा होगा। यह एकदम सिंपल बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना बच्चों। अब कहिएगा कि इसका इस क्वेश्चन से क्या संबंध है, तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यह बेसिक बात आप पहले से भी जानते होंगे। एनी डाउट कि भाई ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, लेकिन सबसे मिनिमम लंबाई होगा जब सी इस पर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आइए, जो मैं आपसे बहस करना चाह रहा था कि बच्चों ध्यान दीजिए, तो ये आप लोग पढ़े होंगे बेसिक क्लासों में, टेंथ में भी, इलेवेंथ के स्टार्टिंग में भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये डिस्टेंस फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये भी डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो यदि आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ध्यान से आप देखिए कि एक पॉइंट है फोर टेन, एक पॉइंट है फोर्टी फोर और फोर्टी फोर और नाइनटीन, मान लेते एक ए है एक बी है। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक पॉइंट कुछ मान लेते हैं एम, जो है एक्स कॉमा वाई। ध्यान से देखिए तो ये जानते हैं बच्चों क्या है,
ये जो है ना ये एम ए है, आप ध्यान दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से 2.4 रीड आउट, ये वाला क्या है एम बी है, यस। और इसका क्या कह रहा है बच्चों, मिनिमम। तो आप जानते हैं कि ये मिनिमम तभी होगा जब एम उठकर यहां पर आएगा, यस या नो। तो इसका मतलब हुआ कि एम ए प्लस एम बी का मिनिमम ए बी हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी का मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी, यस या नो। और ए बी अब डिस्टेंस से निकाल लीजिए, इसका आंसर हो चुका। तो ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके पेपर में कभी ना कभी आ सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अरे भाई अब तो ए बी निकाल लो, ए बी क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, तो दो पॉइंट दिया है ए बी, मान लीजिए x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस क्या होता है 44 माइनस 4 कितना 40, नाइनटीन माइनस टेन कितना हो गया बच्चों 40, मतलब यहां तक कर दिए तो ये तो आप लोग कर ही चुके होंगे। इस खूबसूरत क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू आया, सबसे न्यूनतम मान आया 41। तो क्या आप और हम मिलकर इस कॉन्सेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके होंगे? और सबसे इसका बेस्ट तरीका जो मुझे लगा कि इसका सबसे सिंपल, और मैंने शुरू में ही बोला था, देख लीजिए वन स्टेप टू स्टेप, मतलब दो तीन स्टेप में ही आपको पता चल गया होगा कि करना क्या है। बस लिखने में कुछ समय लगा क्योंकि आपको हमको समझाना था। दो से तीन स्टेप में इस क्वेश्चंस का देखने में कैसा लग रहा था कि एक लॉन्ग क्वेश्चन, कि मिनिमम इतना का निकालना है। लेकिन मैंने प्रत्येक बार आप लोगों को यही मैं बच्चों बोलता हूं कि क्वेश्चन को कुछ सेकेंड तक ध्यान से देखिए, और उसको देखने के बाद यह समझना है कि कौन से रास्ते हमें तय करने हैं। और यह जब समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो है सोल्व हो ही जाते। तो आई होप दैट कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इतना जरूर विश्वास है कि कुछ बच्चे खुद से भी सोल्व कर ही लेते हैं। ओके, थैंक यू।